अलमेकम स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फोर क्लास सेवन होमवर्क मैथमेटिक्स फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ दिन सेट्स ये हमें कुछ सेट्स दिए हैं इनका हमें क्या करना है इंटरसेशन फाइंड करना है तो अब हम इनका जो है सोलूशन स्टार्ट करते हैं जितना पहला पार्ट सॉल्व uh, करने लगा हूँ पी जो है ये ज़ीरो वन टू थ्री है क्यू है माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन और जीरो जी स्टूडेंट्स तो ये वैल्यूज़ मैंने लिख दी हैं इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो पी इंटरसेक्शन क्यू आ जाएगा पी के नंबर्स लिख दिए इंटरसेक्शन बी के नंबर्स लिख दिए सेट लिखा गया अब देखें इंटरसेक्शन uh, हम क्या करते हैं इंटरसेक्शन में बेसिकली जो कॉमन नंबर्स होते हैं दोनों सेट्स के दरमियान वही लिखे जाते हैं तो देखें इन दोनों में कॉमन नंबर्स क्या हैं इस साइड पर ज़ीरो है और इस साइड पर भी जीरो है बाकी कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है तो ज़ीरो जो है ये इंटरसेक्शन आंसर आ जाएगा पी इंटरसेक्शन क्यू का नो क्वेश्चन थ्री और टू ये दोनों सेम हैं ये आपने वैसे ही खुद करने हैं फोर और फाइव ये दोनों डिफरेंट टाइम में से मैं एक करूँगा फोर फाइव आप खुद करेंगे तो फोर को जो हम स्टार्ट करते हैं यू जो है ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री है वी वन टू थ्री और डब्ल्यू जो है ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू है जी तो ये मैंने वैल्यूज़ लिख दी हुई हैं इनकी अब हम इन तीनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो पहले दो जो होंगे यू इंटरसेक्शन वी यू इंटरसेक्शन वी इनको हम पहले सॉल्व कर लेंगे इसलिए मैंने ब्रैकेट में इनको लगा दिया है और इंटरसेक्शन डब्ल्यू तीनों का जो हमने इंटरसेक्शन फ़ाइंड करना है तो अब इनकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे क्योंकि हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इनको ही सिर्फ सॉल्व करते हैं यू की वैल्यूज़ लिख दी इंटरसेक्शन वी की वैल्यूज़ लिख दी और यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू जो है ये मैंने वैसे रखा हुआ साथ में इसको जो है हम बाद में सॉल्व करते हैं जी तो जब अब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये एम्प्टी आ जाएगा इंटरसेक्शन डब्ल्यू वैसे का वैसा साथ चलता आ रहा है अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन डब्ल्यू के वैल्यूज हमने लिखीं जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू तो ये तो एम्प्टी है तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो अगेन ये आंसर क्या आ गया एम्प्टी सेट आ गया जिसमें तो क्वेश्चन जो फाइव आई है अब आप खुद सॉल्व uh, करेंगे इसको अब जो है हम क्वेश्चन नंबर जो फाइव है इसको स्टार्ट करते हैं वेन डायाग्राम से ये तो वेन डायाग्राम जो है इन हम पिक्चर्स uh, को शेड करेंगे तो फर्स्ट फा जो पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी जो अब ए जो है ये सबसेट है बी का ठीक है अब जब इंटरसेक्शन है तो आपने ए और बी में से कॉमन एरिया फाइंड करना है तभी जो है आप सिर्फ कॉमन एरिया को ही शेड करेंगे तो ए और बी में क्योंकि जो ए सबसेट है ये कॉमन एरिया है एज आ तो आप सिर्फ A सेट को ही शेड करेंगे इसी तरह जो यूनियन बी है अब हम इनको जो है सॉल्व uh, करना स्टार्ट करते हैं ये थर्ड पार्ट है ये डिसजॉइंट सेट है जो फोर्थ है इसका हमने कम्प्लीमेंट फाइंड करना है बी कम्प्लीमेंट है तो ये चारों को जो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं जी तो फर्स्ट पार्ट ए इंटर सेक्शन बी कॉमन एरिया इस दोनों में ए और बी में क्या है ए है तो आपने सिर्फ ए को शेड कर दिया ए यूनियन बी यूनियन में हम क्या करते हैं इकट्ठा करते हैं सारे सेट्स को तो हमने ए बी दोनों को क्या कर दिया एज अ होल शेड कर दिया क्योंकि हम इकट्ठा ही करते हैं इनमें यूनाइड करते हैं दोनों सेट्स को तो हमने दोनों को ही शेयर कर दिया हुआ है नौ थर्ड पार्ट ए माइनस बी तो ए माइनस बी में हम देखें जी ये डिफरेंस है तो हम जिस तरह सेट्स को सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे होगा सेट में हम क्या करते हैं हम सिर्फ पहले ही सेट को देखते हैं ठीक है तो अब इधर भी हम क्या करेंगे सिर्फ पहले ही सेट को देखेंगे तो पहला सेट यहाँ पे क्या है ए है आपने क्या करना है आप सिर्फ ए को ही शेड करेंगे जिस तरह हम डिफरेंस को सॉल्व करते हुए सिर्फ पहले के नंबर्स को ही लिखते हैं इसी तरह हम यहाँ पे सिर्फ ए को ही शेड करेंगे अगर फोर्थ पार्ट को हम देखें तो बी कम्प्लीमेंट क्या होगा यू माइनस बी तो यहाँ पे बिल्कुल वैसा होगा ये यूनिवर्सल सेट था दरमियान में एक बी जो है सेट था तो अब देखें इधर भी डिफरेंस है तो आप सिर्फ किस को देखेंगे पहले सेट को ही देखेंगे ठीक है यूनिवर्सल सेट तो यूनिवर्सल सेट का जितना भी एरिया है वो आप शेड कर देंगे तो ये बी के अलावा इधर हमने बी को ही किया दूसरे पार्ट को हमने नहीं तंग किया छेड़ा नहीं उसको इधर भी हम बी को नहीं शेड करेंगे हम क्या करेंगे जो यूनिवर्सल सेट है आ, उसी को ही उसके एरिया को ही जस्ट हम शेड कर रहे हैं यहाँ पे तो ये देखें ये आपको शेडिड एरिया नज़र आ रहा है यहाँ पे हमने यूनिवर्सल जो बी सेट है उसको हमने नहीं शेड किया सिर्फ पहले सेट को ही जो कि यूनिवर्सल सेट है उसको हमने शेड कर दिया हुआ है तो आई ऑप्शन आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इंटरसेक्शन किस तरह सॉल्व करते हैं उस और वैन डायग्राम्स को किस तरह सॉल्व करते हैं Ok dia, lá fez.